नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लघु पौधशाला बनाने के लिए 50% का अनुदान, किसानों के लिए मौका, शानदार आइडिया बताकर जीते 25 लाख। रबी सीजन में मिलेगा 2.70 लाख मीट्रिक टन डीएपी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिल रहा 10 लाख तक का अनुदान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग गंगा किनारे के गांवों को किसानों को लघु पौधशाला लगाने के लिए 50% तक का अनुदान देने जा रहा है। ये लघु पौधशाला नमामि गंगे योजना में औद्योगिक विकास योजना के तहत तैयार की जाएगी। गंगा किनारे के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ ही सरकार किसानों को गंगा किनारे फलदार पौधे लगाने पर भी अनुदान दे रही है। सरकार ने लघु पौधशाला लगाने के लिए 15 लाख रुपए की लागत निर्धारित की है। लागत का 50% यानी कि अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं आम के बाग के लिए प्रति हेक्टेयर 7600 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अमरूद की सघन बागवानी के लिए 17500 रुपए और सामान्य विधि के लिए 11500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी मिलेगी। आप अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित एबिक सेंटर ने किसानों, छात्रों, बेरोजगार युवाओं, उद्यमियों से कृषि व्यवसाय से संबंधित बिजनेस आइडिया मांगे हैं। आपके आइडिया का चयन होने पर इसके क्रियान्वयन के लिए आपको तकनीकी सहयोग, फंडिंग, मार्केटिंग, लाइसेंसिंग, नेटवर्किंग, ट्रेडमार्क और पेटेंट से संबंधित 2 महीने का प्रशिक्षण और 25 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। इस मदद के जरिए आप अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं और इसे नया आयाम दे सकते हैं। इसके तहत आपको जैविक खेती, एग्री बायोटेक, सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रक्रिया, मूल्य संवर्धन आदि से संबंधित आइडिया देना चाहिए। आप 31 अक्टूबर तक अपना आइडिया एब्रिक सेंटर को भेज सकते हैं। वेबसाइट www.hauac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीएपी, एनपीके, यूरिया, एसएसपी आदि की कमी को लेकर किसानों को शिकायतें आती रहती है। हरियाणा में बीते कुछ समय से इस पर किसानों में चिंता बनी हुई है, जिस पर कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि राज्य में डीएपी व यूरिया की कोई कमी नहीं है। इस रबी सीजन के लिए 2.70 लाख मीट्रिक टन या 54 लाख बैग डीएपी एलोकेट की जा चुकी है। साथ ही 15 अक्टूबर तक 1,05,495 मीट्रिक टन डीएपी राज्य को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने इसके भंडारण के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। साथ ही उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों को किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वह आवश्यकता अनुसार ही डीएपी व अन्य रासायनिक खाद खरीदें और आने वाली फसलों के लिए अभी से खाद का स्टॉक ना करें। नवंबर और दिसंबर महीने में फसल बिजाई के वक्त उर्वरकों को कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना के तहत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत निवेशक को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने, क्षमता विस्तार करने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आधुनिकीकरण करने के लिए 35% और अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। योजना के तहत स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को लागत पर 35% का अनुदान दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को शुरुआत में 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि किसान और व्यक्तिगत निवेशकों की लागत को अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। आप वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-214 पर आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।